वाणी बोलिए, मन का आभा खोए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आभा खोए, और उनको शीतल करे, और उनको शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। चौक पर मांगे सब ठीक है, हड़ा कबीरा चौक पर मांगे सब ठीक है, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आपको, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आपको, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई, के बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। थोड़ा सा ऑडियो आप करेंगे मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहने के लिए आए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो काफी प्रतीक्षा के बाद भी नहीं बोल पाए, उनका भी स्वागत है, आज उनकी भी बात सुनेंगे। किसी को लगता है कि यहां से इंसाफ मिल सकता है, जरूर आप अपनी बात कहिए, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। ये शो भी ऐसा ही है, इसी तरह से क्वाइंड है कि वो अपनी लोग जो अपनी बात कहीं नहीं रख पाते या उन्हें लगता है कि उसमें कहीं दिक्कतें हैं, वो अपनी बात कहने के लिए जरूर आए, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। मैंने एक बात हमेशा कही कि मेरे पास एक मुद्दा रहता है जिसको कि हम तय करके चलते हैं, उस मुद्दे पर हम बात करते हैं, वो मेहमान बुलाते हैं, लेकिन इस मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा वो है जो आपके पास रहता है, जिसका मैंने हमेशा और हमेशा कहा भी उसको कि सर माथे पे हमारे ये पब्लिक शो है, लेकिन एक डेकोरम जरूर होना चाहिए, वरना डिसिप्लिन अगर टूटेगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर संभालना मुश्किल होगा कि कौन पहले कौन आखिर में कौन कब। तो यकीनन आप अपनी बात कहिए, मैं आपका स्वागत करता हूं, एक एक करके कहिए बात, मैं सुनूंगा, और आज सबसे पहले लोगों की ही बात सुनेंगे, उसके बाद तमाम सारे मुद्दों पर आएंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो आज शो में प्रमुखता के साथ आएगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है,
ताली बजाया करिएगा भी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर बहुत दिनों के बाद लौट रही है शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनुजा, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रमनीश वस्त जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नीति जी, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद शायद अभी पहुंचे नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल उपाध्याय जी ऑटो वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नवल। स्वाति जी को आना था नहीं आई। रुंझुन भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रुंझुन भैया, थैंक यू सो मच। और अमित श्रीवास्तव जी थैंक यू सो मच। ये आज के लोग हैं, मुझे एक बात कमी नहीं पता चलती कि शो किधर कब कहां मुड़ जाएगा, कहां चला जाएगा, मुझे नहीं मालूम आज आप लोग कौन है। उधर भी दिखा रहे थे मुझे, कहां से आना हुआ आपका? दरभंगा से आए हैं। अच्छा, अपनी मांग रखने के लिए आए हैं और हमारी सरकार से मांग रखे हैं कि हम अभिकर्ता संघ हैं, हमारा कमीशन 0.5% है। कहाँ पे अभिकर्ता संघ है आप? जी जी, अभिकर्ता संघ है, हमें कमीशन 0.5% मिलता है, जिससे परिवार चल नहीं पा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी का तनख्वाह बढ़ता जा रहा है और हमारा कमीशन डाउन होता जा रहा है। हम सरकार से मांग करना है कि हमारी समस्या को भी सुने, अनदेखी न करे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से भी लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्राथमिक गोंडा से आए हैं, आपकी क्या मांग है साहब? पुरानी पेंशन की बहाली हमारी प्रमुख मांग है और पूरे देश में इस समय एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। सभी नौजवान शिक्षक कर्मचारी एक साथ सरकार के विरुद्ध इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि जब देश गुलाम था अंग्रेजों का। हाँ, वो तो सब मालूम है, बस इसी से कही है कि पुरानी पेंशन जो है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। गजब है, गजब है। आप देखो, देखो नारा लगाओगे, नारा लगाओगे तो रामलीला मैदान का पैसा हमसे ले जाओ, बहाल तो करेंगे, पहले गिरफ्तार रहो वहीं पे। गजब है, कोई यहां पे पेंशन के लिए आया है और कोई नौकरी का वास्ता लेकर आया है, गजब है ये भी। एक ही घाट में सब पानी पीते हैं। आपको पेंशन की है कि पेंशन मिल जाए, ओल्ड पेंशन। अभी हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रवेश नहीं मिल पा रहा नौकरी का, पास कर चुके हैं नौकरी, रेलवे से हैं आप, कल आए थे, मैंने कहा था कि आ जाओ, बहुत निराश थे, बहुत निराश थे। इनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, यही तो बात है आपका। जी बोलिए सर। कल हम आए थे आपके पास, बिल्कुल सही कहा सर, अगर आपने पैसे ना दिए होते हम लोगों को, 6 बच्चे आए थे हम लोग, शायद भूखे सो गए होते। अरे ना ना, ना ये अपना जिक्र करो कि पाई वो देखो, ऐसा मैं एक लंबा जीवन मैंने हॉस्टल में गुजारा है और हॉस्टल का नियम यह था कि जिस शख्स की पहले नौकरी लगती थी वो जो बाकी जो रह जाते थे उनको पैसे देके जाता था। तो ये समझ लो बस, ये तो वैसा है कि हमारे ऊपर किसी का उधार है और तुम्हारे ऊपर किसी का उधार है, तुम जब नौकरी में आ जाना तो तुम किसी को उधार को चुका देना, तो ये ऐसा है चलता है। इसमें यह मत सोचो कि भूखे, हाँ भूखे पेट नहीं सो सकता, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, वो गलत है। आप अपनी बात कहिए, कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दा है? कानपुर यूपी से आए हैं। हमारी 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसके बाद रेलवे में कोई भी भर्ती नहीं है। रेलवे 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2019 में भर्ती आई थी हमारी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें बोला गया था, वेटिंग हटा दी गई थी, बोला गया था सेकंड डिवी आएगी अगर अगर बच्चे जो है एबसेंट होते हैं या मेडिकल वो होता है, जबकि 13 जोन की आ चुकी है सेकंड डिवी और हमारा हुबली जोन है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, हमारे जोन की सर सेकंड डिवी नहीं आ रही है। हम लोग बहुत सेकंड क्या नहीं आ रही, सेकंड राउंड डीवी। अच्छा, सेकंड राउंड डीवी का मतलब क्या हुआ? जो वेरिफिकेशन सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब हम लोग हुबली गए तो वहां पे बोला गया कि आप रेलवे भवन जाइए, हम लोग रेलवे भवन में 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है अधिकारी। हम सर आपसे यही भी चाहते हैं कि आप हमारी बात सर, श्री रेलवे मंत्री अश्विनी चौबे, आपने नौकरी पास कर ली है रेलवे की, बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जी सर, जी। देखिए, एक पेंशन के लिए परेशान है कि लड़ाई लड़ने आए हैं और एक ये है कि उनकी नौकरी लग गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए लिहाजा उनकी नियुक्ति हो जाए, तो वो नियुक्ति के लिए परेशान है। मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखता हूं। और 4 साल में सर दोबारा चुनाव आने वाले, 2019 में चुनाव हुए थे, 2024 फिर चुनाव होने वाले हैं, एक महीने पूरा चुनाव हो जाएगा, 5 साल से हमारी भर्ती हो गया, अभी वैकेंसी नहीं पूरी हो पाई। 5 साल से भर्ती जी? अरे पेंशन वाले भैया, यही इस देश की बड़ी मुख्य परेशानी है, अपना काम बनता और बाकी जाए जनता, ये नहीं चलता। आपकी पेंशन मिल जाए, किसी का नियुक्ति पत्र आए ना आए, ऐसी तैसी में जाए, क्या मतलब है? तो भाई साहब आप भी तो ध्यान देंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होगा कि आपका बुढ़ापा सुरक्षित होना चाहिए, आपके स्वास्थ्य का बीमा होना चाहिए,
लेकिन यह भी सच है कि नौजवान कोई नियुक्ति पत्र भी आना चाहिए। रेलवे के कर्मचारी हैं, स्वयं है जो ऑफिसर्स हैं उनसे दरखास्त करेंगे, अगर चार साल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो तत्काल रूप से होना चाहिए और इसमें कहीं भी देरी नहीं होनी चाहिए। अतिशीघ्र होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हुबली में सेकंड राउंड डीवी दे दे, हम बस यही दरख्वास्त करते हैं। बिल्कुल, आपको मिले यही सबसे बड़ी बात है। आज बात भ्रष्टाचार की है, जब देरी होती है तो झुंझलाहट बढ़ती है, भ्रष्टाचार भी इसी तरह का है। देर हो जाए तो बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल में फंसता। क्या है, कहां से आए हो? कानपुर से। क्या हो गया? अब हमें लगता है ये प्रोग्राम ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे इनको सबको बुलाना, भाई ये सब लोग जाएं और हम आपकी बातें सुनें सिर्फ, और होना भी यही चाहिए। दो मिनट में बात सुनूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगा। आप भी कुछ लेके आए कागज आगे? आरटीआई कार्यकर्ता है। क्या हुआ आपको? बेलअप वापिस कर दिया जाता है और जवाब नहीं दिया जाता है। जवाब नहीं दिया जाता, आरटीआई कार्यकर्ता है जी। हाँ बता दीजिए, हाँ बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। भ्रष्टाचार का मामला था जिस पर कि मैंने बहस की बात की रूपरेखा रखी थी। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में थे, प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में थी। दो बातें मैं महत्वपूर्ण प्रियंका गांधी के बाद से शुरू करता हूं। मध्य प्रदेश में ईडी क्यों नहीं आती? मुंबई के फिल्म कलाकारों के घर ईडी पहुंच जाती है, बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लोगों के पास या स्टेट में ईडी क्यों नहीं आती? उधर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार पर उन्होंने तमाम तारे के निशाने साधे हैं कि कब पत्थर चल जाए, कब क्या हो जाए, कब अफसर घेरे में आ जाए, कब रेप की बात, तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने भाषण में कही हैं। बातचीत का सिलसिला मैं आज नए तरीके से शुरू करूंगा, एक एक को मौका दूंगा और उसके बाद वो तमाम सारे लोग जो यहां पर जुड़ना चाहते हैं मैं उनसे करूंगा। सबसे पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जाती? पहले तो मैं धन्यवाद करती हूं आपका कि आपने मुझे यहां पर फिर से आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रवक्ता के नाते लोगों के बीच कर्म भूमि है ये मेरी, और यहां से फिर से आप लोगों के बीच में मैं आई हूं। भाजपा कहां पर खड़ी होती है लोगों के दिलों में, ये प्रवक्ता का एक काम है कि उसे दोबारा से एक आपसे कनेक्ट करे। मध्य प्रदेश की बात करने के लिए वाड्रा जी चली तो गई, पर ये भूल जाती हैं कि सीबीआई और ईडी का निशाना आपके टाइम पर आपने कितनी बार भाजपा को आपने सीबीआई का निशाना बनाया, जब सीबीआई आप कहते थे कि आपके अंडर है, कब कितनी बार आपने सीबीआई का बीजेपी के लिस्ट निकाली ये बताइए, आप कितनी बार आई ये आप बताइए। और उसके बाद मैं यहां बता दूं कि हम लोगों को बीजेपी के ऊपर अगर सीबीआई की रेड के बारे में बात होती तो कुछ नाम मैं जरूर साझा कर देती हूं। कुलदीप सिंह सेंगर, लक्ष्मीकांत शर्मा, सुरेंद्र पटवा, मोहित कंबोज, पीवीएस शर्मा, दुष्यंत सिंह, ये बीजेपी के लोग हैं जिनके पास सीबीआई ईडी आई है। तो ये कह देना और अपने दिल को हल्के में कर देना और कह देना कि मोदी जी हम आपसे डरते नहीं, अमित शाह जी हम आपसे डरते नहीं। बिल्कुल सही बात है, आप डरिए मत इनसे, आप लॉ ऑफ द लैंड से डरिए, देश के कानून से डरिए। एक छोटा सा रिएक्शन इधर, फिर आम आदमी पार्टी जी। देखिए जो इन्होंने नाम कहा वो नाम बिल्कुल तथ्य सही है इनके, लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े अगर हम लोग देखें ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इन सबों के आंकड़े जो देखते हैं उसमें 2004 से 2014 के दरमियान के आंकड़े देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि 50 से 60% जो है वो सत्ता पक्ष के लोग भी थे, विपक्ष के लोग, इस प्रकार का आंकड़ा होता था। लेकिन वो 2014 के बाद से वो आंकड़े बदल के 95% विपक्ष के हो चुका है, 5% के नाम इन्होंने खुद गिनती करा दी। देखिए आज एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के नेता दिल्ली के, उन्होंने कहा कि जहां अनियमितताएं हैं कांग्रेस उसके खिलाफ है, जहां भी अनियमितताएं हैं कांग्रेस उसके खिलाफ है। बस हां, ऑफिसर्स जो हैं वो निशाना ना बनाएं, लेकिन जहां पे घोटाले हैं, जहां गलत है, वहां पे बात जरूरी है जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुबह जो फैसला दिया वहां पे भी देखिए ईडी के कार्रवाई पे सवाल उठाया गया, कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि आपकी कार्रवाई क्यों एक पक्षी दिखती है, क्यों आपको तटस्थ काम नहीं दिखता। और आज
आज जब एक तरह से सिसोदिया के एक पक्षीय शब्द नहीं इस्तेमाल किया। चलिए आप, मैं उसको कह दे रहा हूँ कि आपका काम पारदर्शी, सॉरी हाँ पारदर्शी, पारदर्शी शब्द, हाँ पारदर्शी था कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दिशा निर्देश दे। और आज मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है, अभी उनको उस पर आता हूँ, मैं आता हूँ उस पर आता हूँ। आम आदमी पार्टी ये शराब नीत तो पता नहीं क्या बदल भी दी, उसके बाद भी पीछा नहीं, मामला छूट रहा। मैं एक लाइन में पहले बोलूंगा फिर आपके टॉपिक पे आता हूँ। प्रतीक भाई, ये दिल्ली शराब नीति जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोटाला बताया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की सबसे फरफ्रेस्ट पॉलिसी है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, नंबर एक। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान के अंदर अघोषित आपातकाल चल रहा है। प्रतीक भाई, अगर पत्रकार, अगर कोई बिजनेसमैन, कोई ब्यूरोक्रेट, इनके खुद के पार्टी के नेता अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो उनको भी जेल में उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देंगे। मैं इसके पीछे तथ्य बताता हूं। आज से कुछ दो तीन दिन पहले आपने देखा कि न्यूज मीडिया को लेकर जो भी पत्रकार महोदय थे, पत्रकार साथियों को इन्होंने जेल में डालने का कार्य किया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के एमपी को किस तरीके जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। उसके बाद आज संजय सिंह को कल इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पिछले 8 घंटों में कोई एक रुपए भी उनके घर से बरामद हुआ हो, कोई एक कागज बरामद हो तो ये बता दें। और मैं आपके बातों को पूरी तरीके समर्थन देता हूं। अगर कोई भी अनियमितता हुई हो, कोई हमारा नेता गलत किया हो, उसको फांसी लगा दे। अगर जरा सा भी गलत हो तो फांसी लगा दे। मैं इधर आता हूँ, मैं आता हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सबसे अच्छी पॉलिसी है, तो बंद क्यों कर दिया आपने? क्या कारण था कि आपने उस पॉलिसी को बंद कर दिया? और आप इतने बढ़िया हैं कि आप लोगों ने शराब पीने के लिए बच्चों की उम्र तक को घटा दिया। ये आप एक गलत, ये गलत तथ्य है। लेट हिम क्लैरिफाई, लेट हिम क्लैरिफाई। दिल्ली के अंदर ये नहीं, इन्हीं के खुद की सरकार गोवा के अंदर है, उसमें जाकर के चेक करें, मध्य प्रदेश अंदर चेक कर लें। दूसरी बात प्रतीक भाई, मैं ये बताता हूँ, एक ऐसी पॉलिसी है जो हिंदुस्तान की, एक ऐसी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी पॉलिसी लाया गया जो गवर्नमेंट का राजा फूट बढ़ाया है, जो ऐसा एक एक मिनट प्रतीक भाई, ऐसा मत कराओ, देखो भाई आराम से प्रतीक भाई, एक ये पॉलिसी एक बड़ी अच्छी काम की, ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की जो फांटघाट करके दलाली चल रही थी वो बंद करने का काम ये पॉलिसी। आम आदमी पार्टी कहती है कि इससे सरकार को 8,900 करोड़ रुपए के करीबन लाभ होता, राजस्व मिलता। बीजेपी कहती है 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब बोलो तुम, आ गया हो जी, ये पॉलिसी बता रहे हैं तो आपने उस पॉलिसी को क्यों बंद कर दिया आप बताइए ना, क्या कारण था? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप आए थे इस देश में नए राजनीति करने के लिए साफ सुथरी, आप गुरुद्वारे के सामने शराब का ठेका खुलवा रहे हैं, विश्वविद्यालय के सामने आप शराब का ठेका खुलवा रहे हैं, ये कौन सी नई पॉलिसी है आपकी? आप तो आए थे इस देश में एक नई राजनीति लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, यही अरविंद केजरीवाल जी 2011 में कह रहे थे कि आज इस आंदोलन से जो आगे सरकार बनेगी ऐसा ना हो कि वो भी बदल जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था और अरविंद केजरीवाल जी बदल चुके हैं। अच्छी डिबेट करने लगे हैं भाईजान, आप अच्छी डिबेट करने लगे हैं अब आपकी डिबेट में तर्क आने लगा। जी नीति शर्मा, कैसे भ्रष्टाचार के नशे में, शराब के नशे में देश के विकास को डुबोया जा रहा है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली में देखने को मिलता है। जब दिल्ली से लेके देश से लेके विदेश तक कोविड में हाहाकार मचा हुआ था तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लांग ली थी। इन्होंने बोला हम घर नहीं लेंगे लेकिन 55 करोड़ की रेनोवेशन करेंगे, वो भी उस समय जब कोविड का काल था। आप दलाली की बात करते हैं, इंग्लिश में उसको कमीशन बोलते हैं सर, 2% कमीशन वाली शराब पे 12% कमीशन ली, 6% आपके बेनिफिशियरी रहे आम आदमी पार्टी के। वहीं 145 करोड़ का शराबी व्यापारियों का पैसा आपने माफ किया। यही कोर्ट इन एविडेंस का काम नहीं करती है। दिनेश अरोड़ा के साथ साझेदारी आपने करी। सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला था तो उन्होंने कहा कि पैसे का जो लेन देन है वो पता चलना चाहिए, अगर वो सामने है तो क्राइम है, लेकिन अगर नीतियां बदली गई हैं
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीति बदली जा सकती लेकिन पैसे का लेन देन साफ होना चाहिए। सरकारों का अधिकार होता है नीति बनाने का भी, और अगर कोई नीति नहीं सही होती है तो उसको वापस भी लेने का, ये सरकार का एक हक होता है, हर चुनिंदा सरकार का अपना हक होता है। जैसे कि आपको बताऊं, 3 कृषि कानून बिल आए थे, बताया जा रहा था कि कितने फायदे हैं, अडानी का नाम जो है, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी सुनते हैं, जैसे ही अडानी के नाम को सुनते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। असल में क्या है, 650 किसान शहीद हो गए, फिर उसके बाद पॉलिसी वापस ली नहीं ली गई, फिर उसके बाद यह समझाया जा रहा था कि इसके वापस लेने के फायदे क्या हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, 650 किसान जो शहीद हुए हैं उनके सवालों का जवाब कौन देगा? नंबर दो बात, अब क्या है, विपक्ष ने तोते को पकड़ रखा है, एक जादूगर की जान जो थी एक तोते के अंदर थी। जैसे ही विपक्ष ने उस तोते को पकड़ा और थोड़ा सा तोते को इधर उधर करा तो जादूगर परेशान, कह रहे ये क्या हो गया। जो लेटेस्ट खबर है उसमें संजय सिंह को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया, स्क्रीन पे आधे स्क्रीन पर आप 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी सर, आम आदमी पार्टी वाले ने कहा यदि दोषी है तो फांसी पे लगा दो, तो फिर आज दिन भर तमाशा जो कर रहे थे इनके कार्यकर्ता, चंडीगढ़ में तमाशा, दिल्ली में तमाशा, और प्रियंका गांधी जी आज व्यापम का नाम ली। मैं तो रिसर्च करके आया, व्यापम में पहला FIR हुआ 2009 में, प्रियंका गांधी जी के सरकार थी केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, 2009 से 2014 में SIT बनी, शिवराज सिंह को क्लीन चिट मिला, CBI जांच हुई, क्लीन चिट मिला, सिर्फ व्यापम व्यापम करके ये जैन डायरी बना के चल रहे हैं। और इनका तो मोदी जी ने आज जिस डायरी की बात की, वो लाल डायरी, वो लाल डायरी इनके मंत्री, इनके सहयोगी, इनके विधायकों ने मारा, इनके विधायकों ने पीटा, तो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए आप अपने मंत्री। मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूँ, बिल्कुल जाना चाहता हूँ, क्या मसला है आपका? एक भारत सरकार एक राजपत्र लेके आती है, हम राजपत्र को मानकर 28 जून 2018 से BEd करते हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक करार इस वजह से दिया जाता है कि इसमें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री का इंटरप्ट है, इसमें वो एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई है। आज करोड़ों BEd-धारी सड़कों पर, कई सारे साथियों ने सुसाइड कर ली है, आज सरकार की गलत नीतियों की सजा हमें की, हम निर्दोष हैं। NCTE की गलत, जी बिल्कुल, अब आपकी बात है मैंने सुनी, बिल्कुल। सवाल ये है कि मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले आपने पंजाब में एक पुराने ड्रग के मामले में एक कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार किया और आपने कहा कि वो गलत है, जो गलत है वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन अब हां आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर यहां होता है वो, तो यहां गलत नहीं होता, वहां गलत है, कैसे ये दोहरा मापदंड? कैसे भाई दोहरा मापदंड नहीं है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन पिछले डिबेट में आपको दिया था कि वो 2015 में FIR लॉन्च हुआ था, 13 अप्रैल 2013, कभी भी हुआ हो, लेकिन अगर हुआ है तो अगर कहीं साक्ष्य है तो कर रहे हैं वो। उसमें फाच है प्रतीक भाई, आज आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन देखे होते, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला पूरी तरीके से फॉल्स केस है, मनीष सिसोदिया कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनके जो SG थे वो ये नहीं बताए, 1 रुपए का आज 15 महीने से जांच हो गया, 1000 जगह इन्होंने जांच एजेंसी लगा दिया, कई अधिकारी लगा दिए, 1 चवन्नी का इनको सबूत नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि अगर संजय सिंह बोलेंगे तो उनको जेल में डाल देंगे, तृणमूल कांग्रेस वाले बोलेंगे जेल में डालेंगे। और एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, 2024 से पहले और कितने न जाने कितने नेताओं को जेल में डालने जा रहे हैं। बीजेपी, मैं एक बात बता दूं इनको कि जो इतना ज्यादा आप बोल रहे हैं, कोर्ट के ऊपर आप इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, सेक्शन 19 PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कोर्ट ने ये कहा है और ये संज्ञान लिया है और ये बोला भी है, ED को बोला है कि आप देखिए हम लोग बीच में तब आते हैं अगर कोई फॉल्स केस होता है। सेक्शन 19 इस बात को सुनिश्चित करता है कि, और कोर्ट बोलता है कि अगर कोई भी अरेस्ट अनलॉफुल या वॉइड है, कोई गलत तरीके से हुआ है, तो उसको खारिज किया जाता है। अगर संजय सिंह इस वक्त 10 अक्टूबर तक रिमांड में है और मनीष सिसोदिया अंदर है और सत्येंद्र जैन अंदर है और बेल नहीं मिल रही, तो ये आप बता दीजिए कि ये कोर्ट ने इस बात के बारे में पूछा है और बता दिया आपको कि ये CBI ED अपनी मर्जी से केस को ना बनाते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, ये एक प्रॉपर तरीके का ठीक है जी, बिल्कुल 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 मैंने लिया। अरे भाई आज जनता बहुत चुपचाप खड़ी, क्या बात है? हाँ जी मैं आया,
जनाब मैं कह रहा हूँ कि देखिए कोर्ट ने जो आज कहा ये कहा ना कि दो मिनट के लिए अगर जो स्थितियां दो मिनट में जिरह होगी ये पूरा केस निकल जाएगा। तो देखिए इसके पहले भी हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि वहां पे अधिकारियों को जिस तरह से परेशान कर रही है ईडी ये गलत है और वहां पे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी छत्तीसगढ़ के मामले में भी वहां पे भी लीकर पॉलिसी का ही मामला था। तो देखिए ये जो पूरा मामला है वो यही चीज है जो प्रियंका गांधी ने कहा कि इनको नहीं दिखता हम महाकाल कॉरिडोर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के सबसे बड़ी झंडा बरदार है वहां पे मूर्तियां विखंडित हो गई खंडित हो गई आज तक कितनी गिरफ्तारियां हुई किनके ऊपर वहां पे कोई राज्य की एजेंसी गई पुलिस गई सीबीआई ईडी कौन गया वहां पे जी। भैया जी इतिहास गवाह है मोदी जी के समय में कोई भी भ्रष्टाचार करेगा चाहे वो राज परिवार से हो चाहे वो राज परिवार से हो चाहे संजय सिंह हो चाहे कोई और भी हो जो भी भ्रष्टाचार करेगा चुन चुन कर उसको बख्शा नहीं जाएगा वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। फिर इन्होंने दलील इसी तरह के दी थी ना मनीष सिसोदिया जब भारत रत्न की तरह है उनको शिरोमणि मानते थे ये बताइए दुनिया का पहला शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के आरोपी में वो जेल में है और आप मनीष सिसोदिया इतने ही ज्यादा कट्टर ईमानदार थे अब तक उनको जमानत नहीं मिली और उनके देखिए ना उनके वरिष्ठ वकील कौन है वो कांग्रेस का अभिषेक वकील तो कोई भी हो सकता है भाई अभिषेक मनु वकील तो कोई भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ अभिषेक मनु सिंह भी इतने वरिष्ठ नेता आज तक जमानत नहीं दे पाए। ठीक 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 ये पॉइंट ले ली। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता में अगर इनको भ्रष्टाचार से समस्या होता यार ऐसे नहीं होगा। अरे बोलने दो यार भाई बोलने दो नहीं जी। प्रतीक भाई अगर इनको भ्रष्टाचार से समस्या होती तो आज अजीत पवार जेल में होते आज शुभेंदु अधिकारी जेल में होते हेमंत बी शर्मा जेल में होते नारायण राणे जेल में होते। तो एक बात तो तय है इनको भ्रष्टाचार से समस्या नहीं है इनको डर है 2024 में इंडिया गठबंधन इनकी विदाई तय है। तो मुझे आप ये बात बताइए कि कब भाजपा ने जाकर जब केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर तो भाजपा ने जाकर बोला है हां जी छोड़िए इनको बताइए कब बोला भाजपा ने कब अपनी अर्जी लगाई कब एफिडेविट लगाया और बोला छोड़िए इन्हें ये तो आप लोग हैं आप लोगों ने निर्णय के नाम पर ओल्ड पेंशन आओ कौन आप अभी अभिकर्ता संघ है तो आगे रखिए अभी अभी ये बात नहीं हो पा रही 24 आ गया है अब आने वाला है तो तभी आंखें दिखा रहे हैं तभी वो ओल्ड पेंशन वाले आंखें दिखा रहे हैं। रुकिए अभी वक्त छोड़े थे ब्रेक का ब्रेक के बाद भाई मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस ने वृंदावन तालाब में हुई लड़के की हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक लड़के के दोस्तों ने लूडो में हारे पैसे नहीं लौटाने पर हत्या कर दी। गुरुग्राम में गैंगस्टर के नाम पर म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर को धमकी देने पर हरियाणवी सिंगर समेत दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद हुए। यूपी के अयोध्या में नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई 9 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना सीमा पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स तेल अनाज की तस्करी में शामिल है तस्करी को ट्रकों से करने का आरोप है। लाहौर पहुंचे शहबाज शरीफ को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में शासन की कमी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से गुस्साए लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बीएसएफ ने गुजरात के सरक्रीक के पास से भारतीय क्षेत्र में घुसे एक पाकिस्तानी मछुआरे को पकड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए मछुआरे की पहचान मोहम्मद खमीसा के रूप में हुई है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का रहने वाला। बांग्लादेश में डेंगू की वजह से बिगड़े हालात 2 लाख से ज्यादा डेंगू के केस अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की डेंगू से मौत। ईरानी सेना में बड़े पैमाने पर शुरू किया ड्रोन से युद्ध अभ्यास 2 दिवसीय अभ्यास में वायुसेना नौसेना और सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने हिस्सा लिया। हरिद्वार के अखंड परमधाम आश्रम में रूस के रहने वाले 3 नागरिकों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की विदेशी नागरिक ने खुद को भारतीय संस्कृति से प्रभावित बताया। नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर के साथ दिखाई देंगी साई पल्लवी 2024 की शुरुआत में शुरू होगी शूटिंग। आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की कोर्ट में पेशी आज रात भर ईडी दफ्तर में रहे संजय सिंह।
ईडी ने संजय सिंह को कल गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह से उनके घर पर करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, बोले लोकसभा चुनाव से पहले कई और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। संजय सिंह की गिरफ्तारी मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को दिया जवाब, बोले मामले का किंगपिन अब भी बाहर, जल्द आएगा उसका नंबर। आबकारी घोटाला मामले में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला, संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार की कई डॉन होने का किया दावा, कहा नहीं बख्शा जाएगा कोई घोटालेबाज। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने संजय सिंह को बताया बेकसूर, बोली भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं, घर से कुछ नहीं मिला। संजय सिंह की गिरफ्तारी मामले में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति बनाने में शामिल थे संजय सिंह, मिला था मोटा कमीशन, दिनेश अरोड़ा के साथ ही कई लोगों ने लिया नाम। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में महिला आरक्षण का ऐलान, 35% आरक्षण लागू। दिल्ली में आज से तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत, थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन, ट्वीट कर दी जानकारी। गृहमंत्री अमित शाह कल से दो दिनों तक देशभर के एटीएस प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, खालिस्तानी गतिविधियों और टेरर एक्टिविटी मामले में कार्रवाई के लिए एनआईए ने बैठक बुलाई है। एशियन गेम्स में महिला तीरंदाजी टीम ने जीता 19वां गोल्ड मेडल, फाइनल में ताइवान को 230-228 से हराया। आज से वनडे क्रिकेट विश्व कप का आगाज, टूर्नामेंट में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे, 19 नवंबर को फाइनल होगा। विश्व कप से पहले मुकाबले में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भिड़ंत, गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान और मध्य प्रदेश दौरा, आज 17,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राजस्थान को 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात, जोधपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास, सड़क और रेल परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अरशद वारसी को गिरफ्तार कर लिया है, आईएसआईएस से जुड़ा अरशद जामिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बुद्धिमान है और पीएम मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, कवायती के सत्र न्यायालय ने फैजल और तीन अन्य को 30 साल की हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। बिहार के जातीय जनगणना सर्वे को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने गलत बताया, रविशंकर प्रसाद ने जाति सर्वे फॉर्म पर उनके साइन नहीं होने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ममता बनर्जी के मंत्री रतन घोष के घर ईडी का छापा, नगर निकाय भर्ती घोटाले में कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कमरहाटी नगर पालिका अध्यक्ष के घर ईडी की छापेमारी। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने पश्चिम बंगाल के मंत्री रतन घोष के घर हुई ईडी की छापेमारी पर कहा कि जहां घोटाला होगा वहां ईडी छापा मारेगी। चेन्नई में डीएम के सांसद एस जगरत्कर के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में कार्रवाई। एनसीपी चुनाव चिन्ह विवाद पर ईसी की सुनवाई से पहले दिल्ली में एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक है, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दिल्ली में टीएमसी नेताओं के साथ बदसलूकी मामले में आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात करेगा और स्टीवी आनंद बोस से केंद्र की तरफ से राज्य का बकाया रोके जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 6 दलित महासम्मेलन करेगी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी की जनसभाएं होंगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल के डीन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, पीड़ित परिवार ने केस दर्ज कराया, अस्पताल में 31 मरीजों की मौत हुई थी। एनआईए को खालिस्तान साजिश के दौरान डी कंपनी की भूमिका नजर आ रही है, दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम ने आईएसआई के साथ मिलकर आतंकवादी गठजोड़ की कड़ियां जोड़ी थी। हत्या के 5 महीने बाद सामने आया गैंगस्टर अतीक अहमद का कबूलनामा, जेल में रहकर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूल। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस ने जेल में की अतीक से पूछताछ, अतीक ने पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई की बात भी कबूल की थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को किया ढेर, 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। सिक्किम के प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद
पहुंचाने की कोशिश युद्ध स्तर पर चल रही है। लापता लोगों की तलाश में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही, तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से कई सड़कें बह गई, बाजार में दुकानों में कीचड़ भरा। सिक्किम में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को काफी नुकसान पहुंचा है। सिक्किम में बाढ़ की वजह से सटे राज्य पश्चिम बंगाल में भी बड़ी तबाही हुई है। पश्चिम बंगाल के करीब 200 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवीआरएन बोस बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए दार्जिलिंग के बागडोगरा पहुंचे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3.2 तीव्रता का भूकंप आने से लोगों में दहशत का माहौल। रात करीब 3:49 पर भूकंप आया, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा, पटना में आज कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की पश्चिम सीट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में महाकौशल इलाके में 38 में से करीब 30 सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिजली व्यवस्था को भी सुधारने के निर्देश दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा के वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण मामले में सुनवाई है। दोनों पक्षों की ओर से आज कॉरिडोर निर्माण के लिए कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की मामले में आज सुनवाई है। करंडा थाने में साल 2010 में मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर मामले में यह सुनवाई होनी है। भागलपुर में एसएसपी आनंद कुमार ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के अस्पताल में हाथ में पिस्तौल ले जाने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सिटी डीएसपी को जांच के आदेश दिए गए हैं। राहुल गांधी के कुत्ते नाम नूरी रखने पर एआईएमआईएम नेता मोहम्मद फरहान ने एतराज जताया है। उन्होंने मुस्लिम समाज में लड़कियों का नाम नूरी होने के चलते उसे बदलने की अपील की। एशियन गेम्स में भी एथलीट नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन, जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया। एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी, 19 गोल्ड के साथ भारत चौथे स्थान पर मौजूद है। भारत ने अब तक 82 मेडल अपने नाम किए हैं। एशियन गेम्स में हरमिलन बैंस ने 800 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता, पीएम मोदी ने बधाई दी। एशियन गेम्स में पुरुष 4x400 मीटर रिले रेस में भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, मोहम्मद अनस, अमोज मोहम्मद अजमल और राजेश ने गोल्ड मेडल जीता। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड, कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक संजय सिंह को ईडी की रिमांड में भेजा। राजस्थान को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, जोधपुर में पीएम ने 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। जोधपुर की रैली में पीएम मोदी ने किया कांग्रेस पर प्रहार, पीएम बोले राजस्थान में कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया। महिला आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण, एससी एसटी और ओबीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन। आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी हुए शामिल, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प। दिल्ली सरकार के खिलाफ राजघाट में बीजेपी की प्रार्थना सभा, दिल्ली के सांसद और विधायक समेत बड़ी संख्या में बापू की समाधि स्थल पहुंचे कार्यकर्ता। संजय सिंह की गिरफ्तारी मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को दिया जवाब, बोले मामले का किंग पिंग अब भी बाहर, जल्द आएगा उसका नंबर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, बोले लोकसभा चुनाव से पहले कई और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। आबकारी घोटाला मामले में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला, संबित पात्रा ने कहा आम आदमी पार्टी में है भ्रष्टाचार के कई डॉन, नहीं बख्शा जाएगा कोई घोटालेबाज। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संजय सिंह को बताया बेकसूर, बोली भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं, घर से नहीं मिला कुछ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी प्रधानमंत्री ने किया रोड शो, कई परियोजनाओं को किया उद्घाटन और शिलान्यास। जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला, बोले महिला आरक्षण में पक्ष में नहीं था विपक्ष। प्रधानमंत्री ने किया राजस्थान के लिए 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, सड़क से रेल तक की परियोजनाएं शामिल।
चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती के महिला आरक्षण का ऐलान, 35% आरक्षण लागू। चुनाव आयोग अगले हफ्ते कर सकता है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, पर्यवेक्षकों के साथ कल आयोग की अहम बैठक। दिल्ली में आज से 3रे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत, गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में देश भर के एटीएस प्रमुखों के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक, खालिस्तानी गतिविधियों और टेरर एक्टिविटी मामले में कार्रवाई पर हो रहा है मंथन। एशियन गेम्स में भारत ने आज तीरंदाजी में 2रा और दिन का 3रा गोल्ड मेडल जीता, कंपाउंड तीरंदाजी में भारतीय पुरुष टीम का गोल्ड। स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में भी भारत ने जीता गोल्ड मेडल, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर सिंह की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स में महिला तीरंदाजी टीम ने आज का पहला गोल्ड मेडल दिलाया, फाइनल में ताइवान को 228 से हराया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बुद्धिमान है और पीएम मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में शामिल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर जेपी नड्डा का हमला, बोले तुष्टीकरण करने वालों को गुड बॉय कहने का मौका आ गया। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, कावाराती के सत्र न्यायालय ने फैजल और 3 अन्य को पी सराह की हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। बिहार की जाति जनगणना सर्वे को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने गलत बताया, रविशंकर प्रसाद की जाति सर्वे फॉर्म पर उनकी साइन नहीं होने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ममता बनर्जी के मंत्री रतिन घोष पर ईडी का छापा, नगर निकाय भर्ती घोटाले में कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कमरहाटी नगर पालिका अध्यक्ष के घर ईडी की छापेमारी। राजस्थान के उदयपुर में आयकर विभाग ने भू कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा, टीम ने हिरण मगरी और सेक्टर 14 और सेक्टर 11 समेत कई इलाकों में की कार्रवाई। चेन्नई में डीएमके सांसद एस जगत तर्कन के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, टैक्स चोरी से जुड़े मामले में कार्रवाई। यूपी में बीजेपी 6 दलित महासम्मेलन करेगी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी की जनसभाएं होंगी, मध्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली में टीएमसी नेताओं के साथ बदसलूकी मामले में आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिलेगा और सीवी आनंद बोस से केंद्र की तरफ से राज्य का बकाया रोकने जाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपेगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल के डीन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, पीड़ित परिवार ने केस दर्ज कराया, अस्पताल में 31 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 31 लोगों की हुई थी मौत। एनआई खालिस्तान साजिश के दौरान डी कंपनी भूमिका नजर आ रही है, दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम ने आईएसआई के साथ मिलकर आतंकवादी गठजोड़ की कड़ियां जोड़ी थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को किया ढेर, 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। यूपी के देवरिया मामले में सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है, उप जिलाधिकारी समेत सीओ, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल और 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सिक्किम में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 14 लोगों की हुई मौत, जबकि 100 से अधिक लोग लापता। सिक्किम के प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश युद्ध स्तर पर चल रही है, लापता लोगों की तलाश में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। सिक्किम में बादल फटने की वजह से लापता 22 जवानों की तलाश तेज, संपर्क के लिए बहाल की जा रही है मोबाइल कनेक्टिविटी। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही, तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से कई जगह सड़कें बह गई, बाजार में दुकानों में कीचड़ भरा। सिक्किम में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से पांग्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को काफी नुकसान पहुंचा है। सिक्किम में बादल फटने के बाद आई तबाही की इसरो ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की, तबाही से सिक्किम में भारी नुकसान। सिक्किम में बाढ़ की वजह से सटे राज्य पश्चिम बंगाल में भी बड़ी तबाही हुई है, पश्चिम बंगाल के करीब 200 गांव बाढ़ की चपेट में है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए दार्जिलिंग के बागडोरा पहुंचे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3.2 तीव्रता का भूकंप आने से लोगों में दहशत का माहौल है, रात करीब 3:39 पर भूकंप आया जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। झारखंड के रामगढ़ स्थित परतातू डैम का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं, 2 गेट से 3-3 इंच पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। गेट खोले जाने के बाद नलकारी नदी और दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। झारखंड के गुमला घाघरा इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, बारिश के 5 घरों को नुकसान पहुंचा है। तिरुवर प्रकाश वल्लार की 200वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने प्रतिमा का किया अनावरण, भूखमरी खत्म करने के लिए वल्लालर की कोशिशों का किया जिक्र। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल हुई प्रियंका गांधी, शिवराज सरकार पर बोला हमला, कांग्रेस को वोट करने की अपील की।
बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 2024 चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोकिया 6G लैब और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उत्तराखंड का स्विस शिक्षा समूह के साथ समझौता, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के जबलपुर की पश्चिमी सीट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में महाकौशल इलाके में 38 में से करीब 30 सीटें जीतेंगे। कहिन में जनता करती मन की बात, भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की जमानत पर बहस चल रही थी। कोर्ट ने ईडी से पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिश्वत दी गई? कोर्ट ने पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिश्वत दी गई? क्या ये सिर्फ सरकारी गवाह बने आरोपियों के बयान के आधार पर, सिर्फ सरकारी गवाह जो बन गए अपराधी उनके बयान पे? जांच एजेंसी के मुताबिक पैसा सिसोदिया तक नहीं पहुंचा, तो फिर शराब लॉबी को पैसा कहां गया? ये सवाल थे जो आज जमानत पे उनकी बहस पे बातचीत में आए, जिनको मैंने रखा कि कैसे रिश्वत कैसे दी गई ये बात सामने आनी चाहिए। पैसे का लेन देन है तो वो एस्टैब्लिश होना चाहिए, यह बात प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट में थी। बात भ्रष्टाचार पर है, चुनाव 24 में, प्रधानमंत्री राजस्थान में, प्रियंका गांधी वडेरा मध्य प्रदेश में, और हर जगह भ्रष्टाचार पर ही बात है, और भ्रष्टाचार पर अपनी तरह से अलग अलग तरह से बात है। जनता के बीच में हूं मैं, जनता के बीच में शो करता हूं, और वहीं से बात को उठाने की कोशिश करूंगा। मैं आपके पास आता हूं जी। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। बिहार में कहां से? बिहार में पटना से। पटना से जी। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस है। बिजनेस है, तो बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आए? नहीं, यहाँ आए थे परिवार से मिलने के लिए। परिवार से मिलने? कुछ कहना है भ्रष्टाचार बिहार? भ्रष्टाचार तो बिहार में हो रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं, 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 मैंने तो बात कही भ्रष्टाचार पे हो रही है। आपको जहाँ पे कहना है वहाँ कहिए, हम बिहार में बताएंगे। हाँ, बिहार में बताएंगे, आप बिहार के जब हैं। हाँ, तो पलटू चाचा वहाँ पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अरे बाप रे बाप, पलटू चाचा। पलटू चाचा मतलब उन्होंने इशारा करा। मैं वो तमाम सारे लोग जो आए हैं यहाँ पे आज मौजूद हैं, उन सबका बहुत स्वागत करते हैं जी। एक पीछे युवा खड़ा है, क्या नाम है भाई? मेरा नाम संदीप डेढ़ा है। संदीप जी, आगे आइए। वैसे तो आप यहाँ आते रहते हैं मुझे लगता है, क्योंकि मेरा चेहरा आपका पहचाना हुआ लगता है। तो पीछे खड़े रहते हैं या आज कल? नहीं, पीछे ही रहता हूँ मैं, बस मैं ध्यान से इनको ऑब्जर्व करता हूँ, सुनता हूँ, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मन में आता तो मन करता पूछ लेता हूँ। जरूर जरूर पूछना चाहिए। तो किससे सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के जो हमारे भाई प्रवक्ता है उनसे सवाल है जी, पूछिए। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये कहकर आई थी कि हम सबसे ईमानदार, और आज कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार, तो ये जब शुरू में आए तो पहली सरकार इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई, और 6 महीने में वो राजनीति का स्तर इतना सर चढ़ गया अरविंद केजरीवाल जी के, कि 6 महीने में दिल्ली को छोड़ के लोकसभा लड़ने चले गए, और जब वहां पे मुंकी खा के आए, और मुंकी खा के आने के बाद दोबारा उनको दिल्ली की याद आई। एक सवाल सीधे पूछो। एक चीज में एक्सपर्ट है, दिल्ली को बरगलाने में,
दिल्ली को बरगलाने में बहुत एक्सपर्ट है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने में आज एक्सपर्ट है। अगर आज मार्केट में चले जाएं और दिल्ली के लोगों से बिजली के बिल के बारे में पूछे तो इनको जो जवाब मिलने वाले हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जवाब तो 24 में भी आएगा, उसके बाद दिल्ली के चुनाव है उसमें भी आएगा, चुनाव तो हो ही रहे। तुम तो आज ऊपर पेड़ पर टंग जाओ, रखो भ्रष्टाचार सबसे ऊपर बैठे हैं और बता रहे भ्रष्टाचार। जी जब्बार साहब, देखिए अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो कि लोकतंत्र मरा नहीं है, अभी जिंदा है लोकतंत्र। ये तो तारा नारा आप उधर से लगाते थे, लेकिन आज आपने शेर में पढ़ा। नहीं नहीं, लोकतंत्र की बात हो रही थी और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही होती है कि विरोध प्रदर्शन होते हैं। लेकिन आज ये देखिए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले लोग, ये भी एक बार मुझे लगता है दिखाना चाहिए। नौजवान सड़कों पर है, ओल्ड पेंशन वाले लोग जंतर मंतर पे, रामलीला पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों के ऊपर जूं रेंगने को तैयार नहीं होती। भ्रष्टाचार की जब बात करी जाती है, अडानी के ऊपर आज भी यही सवाल। एक बात आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, 2004 से पहले बंदी की गई और 2004 के बाद से 10 साल यूपीए, बिल्कुल पूरी 10 साल यूपीए की सरकार रही। हमें जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठेंगे, सम्मान के साथ विपक्ष में बैठे, कुछ गलतियां रह गई होंगी उसको एक्सेप्ट करने में। और राहुल गांधी साहब ने भी कहा कि हमको अपनी गलतियां कुछ एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है, वो जो चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग हो रहा था, उस चक्की में से जो भ्रष्टाचार का जो ढेर सारा आटा निकला, उस आटे से जो भ्रष्टाचार की राजनीतिक रोटियां महाराष्ट्र के अंदर सेकी गई और बड़ी लगा लगा के मक्खन के साथ, घी के साथ और मलाई के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खा रहे हैं, तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार के 70,000 करोड़ की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे अजीत पवार को अपनी पार्टी में लिया। हाँ जी, मोदी भगवान कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ से? हतुहा गोविंदपुर त्रिवेणी धाम से, मसान की पुजारी, पापी नाश हो जाएगा। एक बार सुनो, बोलो भाई। यहाँ सारे भूत पिशाच जो हैं यहाँ पे सब बंधे रहते हैं, यहाँ पे हमने सारे भूत पिशाच जितने हैं जिन्न जिन्नात सबको बांध रखा है। ज्यादा तेज भी चिल्लाएंगे बांध दूंगा मैं आपको, भी बता दे रहा हूँ, आता हूँ मैं, रुकिए बैठिए, आ रहा हूँ। थोड़ा सामान में पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, शांत हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। जी भाई, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं? प्रॉपर अयोध्या से हैं। अयोध्या से? तो यहाँ काम करते हैं दिल्ली में? काम करते हैं जी। क्या नाम है आपका? बिमल प्रकाश उपाध्याय। जी उपाध्याय जी, कुछ कहना है? कहना यही है कि जैसे अभी कह रहे थे भाई साहब कि कांग्रेस वाले हमारे कि 10 साल पहले 2004 आपने जिक्र किया कि 2004 में नीति आई थी। हाँ, तो जब 10,000 बंद हो गई 2004 से पहले वो बंद कर दी। हाँ, जब माननीय मनमोहन सिंह हमारे जो प्रधानमंत्री और इतने बड़े गणितकार, इकोनॉमिकत, अर्थशास्त्री अगर प्रधानमंत्री रहे, उनके समय काल में ये जो बंद की गई, इसको इस पर विचार क्यों नहीं किया गया? दूसरी बंद हुई वाजपेयी जी के में मालूम है, लेकिन वो 10 साल तो यूपीए की सरकार रही तो उस पर विचार क्यों नहीं हुआ? और उसके कई फैक्टर्स हैं, उसके कई फैक्टर हैं, और उसमें बहुत बड़ा, ये सरकार कहती है बहुत बड़ा बोझ जो है तनख्वाह में और पेंशन में और ये जाता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन एक निश्चित रकम, ये मैं जरूर कहता हूं कि एक निश्चित रकम कर्मचारी को जरूर पेंशन के रूप में मिलनी चाहिए, जो उससे सुरक्षित जीवन जी सके, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसको मिल सके। अरे रुकिए, ये बहुत जरूरी है। बीजेपी एक बात, मेरे भाई यहाँ पर अभी अजीत पवार जी के बारे में बोल रहे थे, तो मैं इनको बस एक बात सुनिश्चित कर दूं कि अजीत पवार जी एलओपी रहे हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से। तो ये आप बताइए कि तब क्या जब वो एलओपी रहे अजीत पवार, तो क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार उनको नजर नहीं आता था? क्या उनको उस वक्त ये समझ में नहीं आया? चारा घोटाला लालू जी का इनको नजर नहीं आया? कांग्रेस आज जब INDIA घमंडिया गैंग बनाकर खड़ी है, तो आम आदमी पार्टी का भी इन्हें भ्रष्टाचार नजर नहीं आया? आज जब संजय सिंह अंदर जा रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं कि मैं इनसे अलग खड़ा हूं? राजनीति की चटनी ऐसे ही होती है, जब इस तरफ होती है तो अच्छा, और जब उस तरफ जाती है तो
राजनीति की चटनी ऐसी ही होती है, लेकिन एक शब्द मैं हमेशा यहाँ पे डिबेट में नहीं लिया, और उस डिबेट का, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप आई हैं डिबेट में, और वो शब्द है घमंडिया। घमंडिया शब्द मैं डिबेट में अपने वैसे, क्योंकि चाहता हूं कि स्वस्थ डिबेट हो, तो इसलिए मैं, क्योंकि पब्लिक डिबेट करता हूं और पब्लिक में मुझे मालूम है कि अगर एक शब्द को एक्सेप्टेंस किया तो कहां जाके तली लगेगी मुझे खुद नहीं मालूम, तो इसलिए मैं शब्दों के चयन में बहुत 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 ध्यान रखता हूं। जी रुंझुन, रुंझुन को बोल लें तो, आज वो बोले ही नहीं। रुंझुन कब जा रहे हो वापस बिहार? दो एक दिन में। दो एक दिन में जा रहे हो, फिर वापस कब आओगे? पता नहीं सर। अरे अच्छा ना बुला कर रहे, जल्दी आना। जी राजनीति में अशिष्टता इतनी हद पार कर चुकी है कि शर्म को भी शर्म आती होगी। अभी भाई साहब बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के कि पत्रकार के ऊपर अभिसार शर्मा वगैरह, नाम नहीं लेंगे, नाम कोई नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे ना किसी पत्रकार का। आप अपनी पत्रकार पे बात करिए, बहुत स्पष्ट है जी। ये पत्रकार के बारे में कह रहे थे, ये पत्रकार वो पत्रकार है जो केंद्र सरकार के अगेंस्ट में बोलती है, इनको दर्द हुआ एक बिहार में, जबकि वो यूट्यूबर है, पत्रकारिता से रिजाइन। नहीं नहीं नहीं, यूट्यूबर भी पत्रकार है भाई रुंझुन। ठीक है सर, तो ग्रामर ठीक करो नहीं तो फिर मुश्किल है। वही कह रहा हूँ ना, एक बिहार में मनी वो पत्रकार था जिसपे NSA लग गया, उस टाइम कहाँ गई बोलती। ये नेता लोग सारे भ्रष्टाचार और दंगा के यही जड़ हैं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ की उगाही के लिए FIR जो क्या क्या नहीं हुआ। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है तो वहाँ 100 करोड़, जो छोटा राज्य है कम आमदनी आता है 50 करोड़, उससे छोटा है 25 करोड़, सब में इसी तरह भ्रष्टाचार है। और जी, मैं आया जी, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूँ सर, कि आपने एक बात कहा था मुझे अभी याद आया है, रामलीला मैदान में उनके ऊपर, कपिल सिब्बल जी के ऊपर इन्होंने कहा था उनकी जांच होनी चाहिए। उन्हीं कपिल सिब्बल को रामलीला मैदान में उनके सामने ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये आम आदमी पार्टी का। अरे कोई बात नहीं, समय बदल गया तो समय बदल गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ईमानदार हैं जिनको भ्रष्टाचार कह रहे थे, भ्रष्टाचारी कह रहे थे उनके साथ, आज कांग्रेस पार्टी इनके साथ अब नहीं खड़ी होगी? खिचड़ी पक चुकी है, कांग्रेस इनसे अलग होते होने की कगार पर खड़ी है, देख लेना आने वाले टाइम पर इनको शीला दीक्षित जी का इतना बड़ा श्राप लगेगा कि आने वाले टाइम पर रोड पर खड़े हो जाएंगे। शीला दीक्षित विकास किया, शीला दीक्षित ने जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, शीला दीक्षित तक ऐसे विकास पुरुष थी। चलो यहाँ खड़े हो जाओ, मैंने आपसे कहा था बड़े बड़े जिन्न जिन्नात यहाँ पे मौजूद है, अब देखिएगा वो बांध दिया मैंने वहाँ पे जी। अगर किसी के साथ खड़ा हो जाना अगर अपराध है तो आसाराम बापू के साथ तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी खड़े थे। मैंने नारे नहीं, गलत नहीं कह रहा हूँ, और राम रहीम के साथ भी बहुत से लोगों को, बहुत से राजनेताओं के फोटो थे, तो वो बात करी जाए जो तथ्यात्मक तौर से सही हो। और नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो आप बयान दिया, कब खड़े थे, कब बयान था उनका, कौन सा बयान था मुझे बताइए। मैं बता रहा हूँ गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे माननीय, मतलब देखिए फैक्ट चेक करिए, कोई फैक्ट ऐसा कोई नहीं, गलत नहीं करूंगा। जब जो फैक्ट है देखिए, पब्लिक नहीं देखिए, पब्लिक डिबेट में एक चीज का ध्यान जरूर रखिए। जब बात आप जी, मैं शराब नीति पे भ्रष्टाचार की बात हो रही है, पी के रात को हम उनको भुलाने लगे, पी के रात को हम उनको भुलाने लगे, शराब में भ्रष्टाचार को मिलाने लगे, शराब भी बेवफा निकली यारो, नशे में तो हमें मोदी जी याद आने लगे। ये लोग वो हैं, एक तो होते प्रतीक जी दो गले, कि भाई सुखविंदर सिंह अगर वहां पे पंजाब में ड्रग्स केस के अंदर पकड़े जाते हैं तो लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स, वही विपरीत परिस्थिति में या कहो सेम परिस्थिति में शराब के भ्रष्टाचारी जब यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल जी की कुंडली मैंने खोल दी, मनीष सिसोदिया संजय सिंह की कुंडली ईडी और कानून खोलेगा, और एक कुंडली और मैं खोल देती हूँ, ईमानदार ये भ्रष्टाचार कट्टर ये राघव चड्ढा जो 4 से 5 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ये करोड़ों की शादियां करते हैं, 10-10 लाख के सूट में रहते हैं, स्विफ्ट चलाते हैं, करोड़ों का हीरा गिफ्ट करते हैं, ये शराब नीति का फायदा पैसा है या फिर हवाले का फायदा? ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट, यू हैव अ फुल राइट टू डिफेंड, मैं बिल्कुल आता हूँ। जमानत नहीं हुई है बापू की अभी तक, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी के और एक बात और इंश्योर करता हूँ, जमानत भाई देखिए मेरी बात सुनिए, जमानत अभी तक नहीं हो पाई है उनकी बापू की, और जमानत हुई जी, यू हैव अ फुल राइट टू डिफेंड। प्रतीक भाई इसमें ज्यादा
मुझे दुख तो है जिस तरीके से, एक मिनट रुकिए, इस चीज का दुख तो जरूर है कि हिंदुस्तानी होने के कारण जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डालने करके कोई दिक्कत नहीं है। कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी औपचारिक ऐलान कर दिए 2024 के चुनाव का। 38 लोगों का इनका गठबंधन एनडीए का, वो भी 8 साल बाद याद है। दो लोग और इनके फ्रंटल जो एजेंसी है ईडी और सीबीआई, एक फ्रंटल विंग है तो उनको भी लगा दिया है। कोई समस्या नहीं है, ये देश की जनता तय करेगी, ये देश की जनता 2024 में तय करेगी जिस तरीके से लोकतंत्र को घोटने का कार्य कर रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनको जेल में डालने का कार्य।